समाज सेविनी या सार्वजनिक क्लाउड का उद्घाटन है। मुरैना के कैलारस एमएस रोड पर आज कुछ समाज सेवी एवं स्थानीय दुकानदारों ने गर्मी के मौसम को देखते हुए एक सार्वजनिक प्याऊ का उद्घाटन करवाया। इस मौके पर इस प्याऊ का उद्घाटन करने के लिए कैलारस ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर शोभाराम मिश्रा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दुबे, NRSS शामवीर पठान, डॉक्टर शम्मा कुरेशी ने सार्वजनिक प्याऊ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गौरव सिंह सिकरवार, गब्बर पठान, करुला पठान, गोलू पठान, समीर पठान, जगदीश सिकरवार, धर्मेंद्र सिकरवार, सादिक खान आदि लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रईस पठान। पठान साहब, आपकी टीम ने आज ये प्याऊ का उद्घाटन किया, आपने यहाँ क्यों प्याऊ लगवाई? यहाँ इसलिए प्याऊ लगवाई कि जैसे कि यहाँ से और कई दूर तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं जी, इसलिए कई हमारे साथी लोग हैं उन्होंने कहा था कि एक पानी की व्यवस्था कराई जाए, तो हमने एक उद्घाटन कर दिया। क्या नाम है आपका? पठान। पठान साहब, आज आपने प्याऊ का उद्घाटन करवाया, क्या है पूरा मामला? ये इसका कारण ये कि हम गर्मी के मौसम में राजनों को जाते हुए देखते थे, रास्ते में जाते हुए, तो हमने सोचा कि एक प्याऊ खोल दिया जाए जिससे राजनों को चलते हुए पानी मिल जाए ठंडा और आने जाने वालों को परेशानी भी ना हो, इसी कारण हमने प्याऊ का सोचा था। वो अपने आज उद्घाटन कर, आपने ये प्याऊ अकेले खोली है कि आपके सहयोगियों को करा? मेरे जैसे परिवार वाले जैसे गोलू पठान, गब्बर पठान और मेरे पापा शामिल पठान जिनके द्वारा और मेरे साथी दुकान के और सभी जो देश जनता जगह सिकरवार और धर्मेंद्र सिकरवार और जो काफ़ी सारे लोग थे इनके साथ में मिलकर हमने सहयोग किया और हमने अच्छी तरीके से प्याऊ का उद्घाटन किया। थैंक यू। आज आपके द्वारा एक की व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, आखिर क्या किस चीज़ का उद्घाटन किया? ये नगर में बाजार में जो गाँव से लोग आते हैं, पानी की गर्मी के सीजन में पानी की समस्या अधिक रहती है, पानी की समस्या का निदान और जनता के हित में ये जल प्याऊ की स्थापना करवाई है। आगामी भविष्य में और कई एक स्थान पर स्थापना हो जाए उसके लिए हम एक मुहिम चलाएंगे। हमारे द्वारा पानी के लिए टैंकर भी शहर में चलती है, जगह जगह प्याऊ हो जाएगी, उससे क्या आम जनता को जल मिलेगा। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएँ गर्मियों में परेशान होती हैं, ये परेशानी नहीं रहेगी और इसमें जनता को राहत मिलेगी।